नमस्कार, मैं डॉक्टर सम्राट टावरी और मैं कलाई के एक फ्रैक्चर के केस को आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। 45 साल के हमारे ये पेशेंट थी, ये घर पे गिर गए और इन्हें कलाई में मार लगा और इनका सीटी स्कैन भी हमने किया। सूजन के कारण ऑपरेशन 3 दिन बाद किया। एक्सरे में दिख रहा है कि जो ब्रॉड बोन होता है, जो रेडियस होता है, वहाँ फ्रैक्चर है। और सीटी स्कैन इसलिए मददगार था क्योंकि दो छोटे टुकड़े जो फ्रैक्चर के थे वो इस तरीके के थे कि उसके कारण कलाई के आगे की पूरी हड्डियां जो है वो पीछे सरक रही थी, इसलिए वो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वो समझ करके हमने उसको ओपन करके यानी खोल करके प्लेट और स्क्रू से फिक्स किया। प्लेट और स्क्रू फिक्स करते वक्त में ध्यान रखना होता है कि स्क्रू कहीं जॉइंट में ना जाए और उसकी पकड़ भी उतनी अच्छी हो। ये ऑपरेशन के बाद के एक्सरे हैं जो काफ़ी समाधानकारक है। जॉइंट में कोई कमी नहीं है, खामी नहीं है और प्लेट अच्छे से लगी हुई है। पेशेंट को 5 हफ्ते का एक कच्चा प्लास्टर दिया था जो बाद में निकाल करके पेशेंट व्यायाम करे और वापस लगा लेवे, ऐसे करके 7 हफ्ते का कह सकते हैं प्लास्टर था। ये 10 हफ्ते बाद का एक्सरे है जिसके अंदर हड्डी अच्छे से जुड़ गई है, प्लेट अपनी जगह पर है, जॉइंट अच्छा दिख रहा है। पेशेंट ने करीब करीब 4 महीने तक के अच्छा व्यायाम किया, उसके फलस्वरूप ये 11 महीने बाद का वीडियो है जिसमें हाथ की हलचल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, उंगलियों में जठरपना नहीं है, मुट्ठी बन रही है, कलाई ऊपर और नीचे अच्छे से जा रही है और पेशेंट अपने रेगुलर दैनंदिन काम अच्छे से कर रहे हैं, किसी तंतु को कोई तनाव नहीं है। इसके अलावा इनका हाथ पूरी तरह से घूम रहा है, यानी प्रसाद लेने के जैसा और प्रसाद देने के जैसा, प्रसाद लेने के जैसा, प्रसाद देने के जैसा, ऐसा पूरा घूम रहा है। यथा योग्य उपचार करने से इनका अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा रिजल्ट मिला है। धन्यवाद।